नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोज का एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के उस दावे की बखिया उधेड़ दी जो प्रशासन ने सोज की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किया था। प्रशासन ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सोज ना तो हिरासत में है और ना ही उनके कहीं आने जाने पर रोक है, जिसके अगले दिन यानी गुरुवार को जब सोज ने मीडिया कर्मियों से बात करनी चाही तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें बात नहीं करने दिया। देखिए ये वीडियो। आपको आपको बाहर जाना अलाउड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा हमें फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ। ये आप देखते हैं शहरी आजादी को क्या हो गया। I have decided to go to the court for whatever it is worth. सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट ने कहा कि वहीं सैफुद्दीन सोज का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो लोगों ने प्रशासन पर तरह तरह के सवाल खड़े किए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कहा गया कि वो हर तरह से आजाद हैं। वेल, मिस्टर सैफुद्दीन सोज इज अ फॉर्मर एमपी एंड अ फॉर्मर मिनिस्टर। ही इज नॉट अंडर अरेस्ट, ही इज नॉट अंडर डिटेंशन। In fact, in the past 2 months, he has been to Delhi twice, in October and December. So he's free to go wherever he likes, of course, with the usual security drill, being a protected person. So there's no question of flying by the government. वही प्रशासन के इस जवाब पर उमर अब्दुल्ला आग बबूला हो गए और उन्होंने रोहित कंसल को निशाने पर लेते हुए ट्विटर पर लिखा कि मुझे माफ कीजिएगा रोहित, लेकिन आधिकारिक ट्विटर हैंडल को प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मैंने आपके साथ निकटता से काम किया है और आपके ये ट्वीट निराशाजनक हैं। सोज साहब ने चिकित्सा कारणों से यात्रा की और घर लौटते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटने का फैसला लिया था। इस दौरान तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं को एहतियात के तौर पर नजरबंद कर दिया गया था। फारूख और उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं को अब रिहा कर दिया गया है, जबकि कुछ नेता अभी भी नजरबंद हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।